क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है, एक बार पहले भी यहाँ पर जो ये बैरियर है ना उसके अंदर ऐसे छेद हो गया था, लेकिन उस समय तो यहाँ पर प्राचीन संत गंधर्व ने अपनी बॉडी को त्याग दे दिया और उसके साथ में यहाँ पर हम सभी को बचा लिया गया था। लेकिन आपको पता है ना कि प्राचीन संत स्टेज 4 की कोई बॉडी लेना इतना ज्यादा आसान काम नहीं है। विपिन का शरीर यहाँ पर पूरी तरह से अकड़ चुका था जब यहाँ पर उसकी वो बात सुनता है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब आर्यभ अपना शरीर आते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अब हमारे पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर अब मुझे खुद से अपना सेक्रीफाइस देना होगा। हाँ माना कि मैं यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन फिर भी आत्मा और मेरे शरीर की एनर्जी का यूज करते हुए मैं इतनी ज्यादा पावर को रिलीज कर सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैं प्राचीन संत स्टेज 4 का कोई लड़ाकू हूँ। जब मैं अपना सेक्रीफाइस दे दूंगा तो उसके साथ में आराम से हम लोग उसको धोखा दे सकते हैं, शायद कुछ टाइम के लिए, जिसके साथ में आपको थोड़ा बहुत समय मिल जाएगा सब कुछ ठीक करने का। तो वहीं दूसरी तरफ, नहीं आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने बीच में आ जाती है और वो ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। वह कहती है, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दे सकती, आखिरकार क्या आप पागल वागल हो गए हैं, आपको मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। आपको यहाँ पर पता है ना कि एक बार अगर आपने शरीर का सेक्रीफाइस कर दिया तो आप वापस जिंदा हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने आत्मा को सेक्रीफाइस कर दिया तो उसके साथ में आप कभी भी पूरी तरह से पुनर्जन्म नहीं ले पाएंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शरीर को दोबारा बनाया जा सकता था लेकिन आत्मा को नहीं बनाया जा सकता था। तो वही आर्यभ कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अब कुछ और नहीं कर सकते हैं, हमें यही करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन आगे बढ़ता है और कहता है, अरे अरे रुकी जरा, आखिरकार कहाँ जा रहे हैं आप, यहाँ पर मुझे कुछ और भी सोच लीजिए, अगर हमारे पास में कोई और दूसरा चांस नहीं हुआ तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। विपिन देखकर कि कैसे किस तरह से यहाँ पर प्राचीन संत आर्यभ तो बस अपनी जान लेने के ऊपर लगे हुए थे, विपिन तो यहाँ पर परेशान हो गया था उनकी वो बातें सुन सुनकर, तो वह उसके साथ में आगे बढ़ता है और वहाँ जाकर अब उस स्वर्ग की काली आग को टच करने लगता है। अरे अरे क्या कर रहे हैं, सावधान। वहीं दूसरी तरफ जैसे अवनी और बाकी सब लोग उसको ये करते हुए देखते हैं तो उनके रोंगटे बाल सब कुछ खड़े हो जाते हैं। हे भगवान ये क्या है, आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वह अपनी बात पूरी कर पाते ना, तो उससे पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि विपिन पहले से यहाँ पर उस चीज को टच कर चुका था। लेकिन जैसे यहाँ पर उसने उसको टच किया, उसके साथ में जो फ्लेम थी वो उसके आसपास में ऐसे घूमने लगती है जैसे कि यहाँ पर विपिन उसकी गर्लफ्रेंड हो और वो वहाँ पर उसको रिझाने की कोशिश कर रहा हो, लाइक सेड्यूस। अरे अरे वो हेलो क्या कर रहे हो, काली आग, अरे वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें उसको जला देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अमनी तो पागल होने के कगार पर पहुंच चुकी थी, यार ये बंदा है कौन भाई, ये आ कहां से गया है। हाँ मैं मान गई कि ये एक सुप्रीम मास्टर टीचर है, लेकिन सुप्रीम मास्टर टीचर भी इस तरह से ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। वास्तव में अवनी का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था जब वह यहाँ पर अपने सामने वाले बंदे को ऐसा कुछ करते हुए देख रही थी। हाँ मैंने मान लिया कि इस बंदे के पास में एक ईंट है जो यहाँ पर किसी की भी नहीं देखती, बस आती है और किसी के सर के ऊपर गिर जाती है। वास्तव में ये तो बिल्कुल अलग चीज है, ऐसी भद्दी सी चीज रखना, और उसके साथ में एक भाला है जो बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे यहाँ पर कहीं भी जाकर किसी को भी लिपट जाया करता था और उसको पकड़ कर रख लिया करता था। ऐसी स्किल है जिसके साथ में किसी भी हथियार को अपने पास में रख सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक चीज ये खुद है, अखरोट हो, आंखें हो, सर हो, पेट हो या फिर पिछवाड़ा हो, ये किसी को भी बख्शता नहीं था। जो निशाना दिखा उस पर यहाँ पर एम करता था और पट्ट से हेडशॉट मार देता था। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वो खुद फुटबॉल खेल रहा हो। आखिरकार क्या ये इंसान ही था? अरे भाई भगवान मेरे को नहीं लगता कि ये इंसान है, आपने लगता है किसी अलग बंदे को यहाँ पर अपना वह सारा चीजें दे दी है। आखिरकार ऐसे बंदों को मत दिया करो वरना ये किसी दिन दुनिया को खा जाएंगे और यहाँ पर बोलेंगे अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं था और डकार और मारेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन आगे बढ़ता है और पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पर स्वर्ग ने भेजा है? तो उसके साथ में यहाँ पर जो वह काली फ्लेम थी ना वह जोर जोर से हिलने लगती है। तो विपिन यहाँ पर अपना शरीर लाता है। ओह अच्छा मैं समझ गया कि यह स्वर्ग की कारिस्तानी है, मुझे पता है कि यहाँ पर यह स्वर्ग कभी ढाला नहीं बैठने वाला। अरे हाँ तेरे को यहाँ पर क्या करना है, आखिरकार ऊपर बैठे रहो ना, फालतू में स्वर्ग की पता नहीं क्या बीमारी है, हमेशा बस आगे पीछे घूमते रहते हैं। एक मिनट रुको मेरे को भी इतना पावरफुल होने दो फिर मैं तुम्हें नचाऊंगा अपनी उंगलियों पर, यहाँ पर विपिन ऐसा कहने लगता मन ही मन के अंदर। लेकिन बेटा बात सुन लेना तो अभी तेरे को यहाँ पर जलाकर राख कर देंगे, ज्यादा नहीं बोलते ऐसे। लेकिन विपिन भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पर स्वर्ग भी कोई गलत काम नहीं कर रहा था। आखिरकार यहाँ पर स्वर्ग तो केवल अपना ही काम कर रहा था क्योंकि यहाँ पर ये सभी लोग अभी इस एक गलत इंजाम को और गलत काम को ठिकाने लगा रहे थे। प्राचीन संत आर्यभ क्या एक बार आप मेरे को वो टोकन दे सकते हैं जिसके साथ में यहाँ पर मास्टर शेख और आप लोगों ने पहले भी इसको एक बार चकमा दिया था,
तो वहीं दूसरी तरफ आर्यप जल्दी से उस टोकन को बाहर निकाल देता है। तो विपिन अपना सर हिलाता है और ठीक है चलो मैं एक बार ट्राई कर देखता हूँ। उसके बाद में विपिन अपने पास में से अपने स्टोरेज रिंग को निकालता है और उसके अंदर से यहाँ पर देवता की एक बॉडी को बाहर निकाल कर रख देता है। ये एक देवता है। वहीं जैसे यहाँ पर विपिन उस बॉडी को बाहर निकालता है तो आर्यप चौंक जाता है। नहीं नहीं ये एक देवता नहीं है, ये तो यहाँ पर सोललेस ह्यूमनॉइड कठपुतली है। अचानक उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है। ये बंदा पागल वागल है क्या भाई? अरे किसी को भी नहीं छोड़ता, इसने पहले एक देवता को मारा और उसको यहाँ पर सोललेस ह्यूमनॉइड के अंदर बदल दिया। वास्तव में इसका दिमाग पूरी तरह से खराब वराब हो चुका है। आर्यप उस चीज को देखने के साथ में ना बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन विपिन उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। वह तो सीधा अपनी आत्मा को बाहर निकालता है और सीधा उस सोललेस ह्यूमनॉइड के अंदर चला जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने उसको बना तो लिया था, हालांकि उसके अंदर ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिसके साथ में वो उसको ऑटोमेटिक बना सके। इसी वजह से विपिन ने ऐसी ऐसी चीजें तो करती थी जिसके साथ में अपनी आत्मा को उसके अंदर डालकर उसका यूज कर सकता था। तो जैसे यहाँ पर विपिन ने अपनी आत्मा को उसके अंदर डाला तो उसके साथ में ही जैसा कि उन्होंने सोचा था अचानक से जो बादल थे वो नीचे उतरते हुए आते हैं और विपिन को घेरने लगते हैं। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर अभी एक संतश्रेष्ठ फोर का कोई खतरनाक लड़ाकू आ चुका है तो वास्तव में उसको जलाकर राख कर देना चाहते थे और उसका सेक्रीफाइस लेकर वापस चले जाना चाहते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से यहाँ पर उनका मन उसके अंदर से पूरी तरह से हट चुका था और वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। क्या फालतू चीज है, इस फालतू चीज के साथ में हमें नहीं टकराया करते। तो वही विपिन पूरी तरह से हैरान था, अबे ये क्या है भाई, मुझे लगा था कि यहाँ पर इनको ये सब कुछ पसंद आएगा और जैसा मास्टर शेख ने किया था और इन लोगों ने पहले किया था वैसे तो मैंने यहाँ पर किया, तो फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पर वो पूरी तरह से हैरान परेशान था और उसको देखते जा रहा था, क्योंकि विपिन का यहाँ पर जो प्लान था वो ये था कि यहाँ पर सबसे पहले तो वो बादल उसको मारने लगते और विपिन की आत्मा के ऊपर उसकी आग का कोई असर होता नहीं है, तो उस शरीर को जलने के बाद में विपिन है ना अपनी आत्मा को फिर से अपने शरीर के अंदर डाल सकता था, यानी कि उसको एक धोखा देना चाह रहा था। इसी वजह से यहाँ पर उसका सारा सारा प्लान चौपट हो जाता है जब वह सभी पीछे की तरफ चले जाते हैं। उस चीज को देखने के बाद में सभी परेशान तो थे, लेकिन थोड़ी देर सोच विचार करने के साथ में यहाँ पर आर्यप को कुछ बात समझ में आती है और वह कहता है, अच्छा मैं समझ गया यहाँ पर क्या हो रहा है। बात कुछ ऐसी कि अभी भी यहाँ पर आप जिस देवता की बॉडी की यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना, वह हमारे इस मास्टर डेजर कंटिनेंट या इस दुनिया की नहीं है, वह यहाँ पर अपर वर्ल्ड यहाँ पर अजोर की है और ये अजोर से आई हुई है। इसी वजह से यहाँ पर इन सभी को इसके अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वहाँ की अलग परीक्षा होती है और यहाँ की अलग परीक्षा होती है, और यहाँ का अलग शरीर होता है और वहाँ का अलग, और सभी के अंदर अलग अलग एनर्जी भरी हुई होती है। इनको क्या पता है, शायद यहाँ पर यहाँ की जो एनर्जी है वही पसंद आती है, इसी वजह से ये यहाँ पर ऊपर की दुनिया की जो एनर्जी है उसको नहीं लेना चाहते। ओह अच्छा ऐसी बात है। तो विपिन ने भी अपना सिर हिलाया, क्योंकि वास्तव में वह समझ चुका था कि अभी माजरा क्या हो चुका था। लेकिन अब अपना सिर विपिन हिलाने लगता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ये सारी चीजें होना लाजमी था। आखिरकार क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर ये अजोर था और अजोर भी यहाँ पर इस दुनिया के अंदर नहीं बना हुआ। जैसे कि यहाँ पर प्रत्युषा को ले लो, प्रत्युषा ने जब अपने लेवल को पार किया था ना तो उसके साथ में यहाँ पर अजोर यानी कि जो दूसरी दुनिया है अपर वर्ल्ड, वहां से एक एनर्जी आई और प्रत्युषा से यहाँ से ले गई थी, क्योंकि प्रत्युषा अब इस दुनिया की नहीं रही थी, यानी कि उसकी ताकत यहाँ से पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। वैसा शायद इसके साथ में भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो प्राचीनचंद आर्यप थे वो कहते हैं, विपिन एक बार हम लोग देखते हैं कि एक और कोशिश, आप बाहर आइए, हमें क्या पता इसके साथ में कोई सफलता मिल जाए। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन झट से अपनी आत्मा को बाहर निकाल कर ले आता है, लेकिन जैसे अपनी वो आत्मा को बाहर निकालता है और उसके साथ में यहाँ पर जैसे बादलों को पता चलता है कि यहाँ पर अभी अभी किसी प्राचीन संत स्टेज 4 की बॉडी के अंदर से आत्मा निकलकर बाहर गई है, तो वो बादल फिर से उसको घेर लेते हैं, लेकिन फिर से वही निराशा उनके हाथ में लगती है, क्योंकि उनको जब पता चलता है कि वो उनके काम का है ही नहीं तो फालतू में उसके अंदर क्यों अपने टांगों को लगाना है। इसी वजह से वो वापस ऊपर चले जाते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास में तो कोई दूसरा ज्यादा बचा ही नहीं है। तो वह विपिन कहता है, मेरे पास में एक और बॉडी है और मैंने अब तक यहाँ पर उसको कोई भी ह्यूमनॉइड नहीं बनाया है, क्या पता इस बार मैं उसको एक अलग तरीके से बनाकर इसका यूज कर सकता हूँ। लेकिन विपिन ने इस चीज के लिए मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर उस चीज को पूरी तरह से ठीक करने में वहाँ पर उसको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था, क्योंकि पहले यहाँ पर विपिन प्राचीन संत के ऊपर नहीं पहुंचा था, अभी वहाँ पर ग्रेट संत के ऊपर ही था, तो इसी वजह से यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा समय लगने वाला था और इसका अभी कोई भी मतलब नहीं रह चुका था। लेकिन अब विपिन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देता है, वो अपने घोड़ों को इतनी तेज दौड़ा रहा था कि यहाँ पर नंबर वन आ जाता है और वो फिनिश लाइन लाइट के ऊपर भी पहुंच जाते हैं। आइडिया, अगले पल विपिन के दिमाग के अंदर एक जोरदार झटका लगता है और उसके साथ में यहाँ पर तारे नजर आने लगते हैं। स्वर्ग की लाइब्रेरी,
स्वर्ग की लाइब्रेरी शायद ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि स्वर्ग की लाइब्रेरी और स्वर्ग की फिल्म शायद यहाँ पर इनके बीच में कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिसके साथ में ये उसको रोक सकती है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास तो गोल्डन पेज है ही नहीं जिसके साथ में इसको ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि गोल्डन पेज का यूज करते हुए शायद मैं इस बैरियर को लगाकर यहाँ पर कन्फ्यूजन की जो सील है उसको वापस से एक्टिवेट कर सकता हूँ। लेकिन पहले यहाँ पर मैंने इसके लिए बलवन को जो देवता बुलाया था उसको हराने में उसका यूज कर दिया है, और मेरे पास में भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ में किसी को मैं स्टूडेंट बना सकूं। लेकिन अब विपिन के पास में एक चीज थी, यहाँ पर वो किसी को अपना स्टूडेंट बना सकता था ताकि यहाँ पर वो इसका यूज कर सके। तो उसके बाद में वो जल्दी से यहाँ पर अवनी की तरफ पलटता है और उससे कहता है, अवनी क्या यहाँ पर तुम मेरे स्टूडेंट के तौर के ऊपर अपने आप को तैयार कर सकती हो? तो वही दूसरी तरफ जैसे विपिन ऐसा शब्द कहता है, क्या बिल्कुल नहीं।